नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते खबरों पर। मछली पालन विभाग राजनांदगांव में तत्कालीन सहायक संचालक के पद पर पदस्थ गीतांजलि गजबिये को शनिवार को राजनांदगांव की पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गीतांजलि पर विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 2,16,00,000 रुपए की हेराफेरी का आरोप था। पिछले कई माह से वो फरार बताई जा रही थी। राजनांदगांव के मछली पालन विभाग के सहायक संचालक सुदेश कुमार साहू ने इस बारे में राजनांदगांव पुलिस में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार हितग्राही भुवन लाल की ओर से मछली पालन विभाग राजनांदगांव को तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन राजनांदगांव गीतांजलि गजबिये ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर योजना में प्राप्त राशि का दुरुपयोग करने की शिकायत मिली थी। मछली पालन विभाग राजनांदगांव द्वारा जांच के उपरांत एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें 4 जुलाई 2024 को एफआईआर दर्ज कराया गया था कि उनके विभाग में लगभग 2,16,00,000 रुपए का गबन किया गया है। जांच उपरांत जो है वहां पे जो सहायक संचालक थी गीतांजलि गजबिये, उनको अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। कोरबा जिले के SECL कुसमुंडा कोयला खदान में शनिवार की शाम तेज बारिश के सैलाब में बहे अधिकारी की लाश को लगभग 15 घंटे बाद SDRF की टीम ने बरामद कर लिया। बता दें, शनिवार की शाम हुई तेज बारिश के बाद कुसमुंडा कोयला खदान में पानी घुस गया था। पानी के तेज बहाव में 5 लोग फंस गए थे, जिसमें से 4 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन शिफ्ट इंचार्ज जितेंद्र नागर पानी के तेज बहाव में बह गए। शनिवार की रात से ही जितेंद्र नागर की तलाश जारी थी, जिनकी लाश रविवार की सुबह कोयला खदान के निचले हिस्से से बरामद की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि शिफ्ट इंचार्ज जितेंद्र नागर कुसमुंडा खदान के गोदावरी फेस का निरीक्षण करने तथा खदान में जल भराव की स्थिति देखने के लिए गए हुए थे। प्रदेश के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सली अक्सर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगलों में जगह जगह IED सेट कर देते हैं। इन IED की चपेट में कई बार स्थानीय ग्रामीण और जंगली जीव भी आ जाते हैं। ताजा मामला बीजापुर से सामने आया है, जहां नक्सलियों के लगाए IED की चपेट में आने से एक 10 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। पूरी घटना बीजापुर जिले के पीड़िया मुरुमपारा की है, जहां के जंगलों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने IED लगा रखा था। शनिवार को 10 साल का बच्चा बकरी चराने पटेलपारा मुतवेंडी थाना गंगालूर क्षेत्र के जंगल में गया हुआ था। इसी दौरान वह मुरुमपारा के पास नक्सलियों के लगाए प्रेशर IED की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। IED ब्लास्ट में घायल बच्चे को पहले इलाज के लिए मुतवेंडी CRPF कैंप में लाया गया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद मासूम को बीजापुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन घायल बच्चे ने दम तोड़ दिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इसी न्यूज के साथ।
फनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। फनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेंड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर एक पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में फनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि फनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब फनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। फनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। फनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। फनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। फनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लीयरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए फनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत बढ़िया है जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, agar aap chahte hain ki aap 12th ke baad science mein aapke bhavishy banana chahte hain, to Shankaracharya Professional University mein ek baar zarur aaye. Pharmacy course mein abhi direct admission 12th ki percent basis pe diya ja raha hai, to jald se jald sampark kare. तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ अधिकृत थोक विक्रेता बर्मिचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन, सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मिचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेतन विसंगति और ऑपरेटरों को नियम बनाकर एक निश्चित विभाग में संविलियन कर नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने की चर्चा। वहीं 29 जुलाई से ऑपरेटर काम बंद कर 3 दिवसीय हड़ताल पर रहने की चेतावनी दिए हैं। बीते कई वर्षों से छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के लोगों द्वारा जायज मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए
इसकी मांग की जा रही है। बावजूद इसके न तो समय में इन्हें वेतन मिल पाता है और न ही एक निश्चित विभाग में रख नियमितीकरण से वंचित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग के पचरी पारा स्थित यादव भवन में धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी अहम बैठक बुलाकर मांगे नहीं जाने पर 29 जुलाई सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर काम बंद कलम बंद करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने बताया कि 7 माह से ऑपरेटरों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसे लेकर ऑपरेटरों ने नाराजगी जताई है। ऑपरेटरों ने कहा, हड़ताल के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान संघ के लोग सोमवार से रायपुर में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, संघ के द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन व मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी आह्वान किया गया है। गौरतलब है कि अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर अब कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने मोर्चा खोल लिया है, जिसमें उन्होंने संविदा 27% वेतन वृद्धि कर 23,350 रुपये वेतनमान दिया जाए एवं बोनस भत्ता भविष्य निधि लागू किया जाए। साथ ही पिछले खरीफ वर्ष 2023-24 का 7 माह का वेतन तत्काल जारी किए जाने की मांग की तथा ऑपरेटरों को मासिक नियमित रूप से वेतन भी भुगतान किए जाने की मांग की। इसके साथ ही कंप्यूटरीकृत धान खरीदी की स्थापना 2007 से की गई प्रथम नियुक्ति दिनांक के अनुसार समस्त ऑपरेटरों को नियम बनाकर एक निश्चित विभाग में संविलियन कर नियमितीकरण किया जाने की भी मांग रखी। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। 17 साल से विगत इतना समिति के माध्यम से धान खरीदी कर रहे हैं और बहुत सारा कार्य जिसको हम कर रहे हैं और आज वो जो है हमें जो भरपूर फायदा वो हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअल में हमारा विभाग तय नहीं हुआ है। हम लोग वहाँ पदस्थ जो हैं विगत 17 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का विभाग अभी तक तय नहीं हुआ है। और वेतन जो भी है 6 महीने या साल भर में आता है, हमारे अकाउंट में आना चाहिए, वो भी नहीं आ पा रहा है, इसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, दुर्ग जी में अगर हम लोग की संख्या बोला जाए तो 87 है। और सर, अभी हम लोग के हड़ताल में जाने से सोसाइटी का जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। इससे बहुत सारा काम प्रभाव होगा, जैसे कि किसान अभी नगद है, नगद ले नहीं पाएगा क्योंकि नगद का समायोजन हम ही लोग करते हैं। आपका पेश कंप्यूटराइजेशन चला, जिसके लिए उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले को, वो काम पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। आपका अभी मुख्य काम चल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो पूरी तरीके से ढप हो जाएगा क्योंकि वो काम का भी संचालन हम ही लोग के द्वारा किया जाता है। मतलब शासन की जितने भी योजनाएँ हैं पूरा कार्यभार वो धान खरीदी ऑपरेटर ही करता है। हमारी मतलब मुख्य जो मांग है कि हम लोग 17 वर्षों से सोसाइटी में धान उपार्जन केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं और 17 साल होने के बावजूद हम लोग बीच बीच में शासन से मांग करते हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि 17 वर्ष हो गया है, इतने वर्षों में तो हमारा लोग का नियमितीकरण हो जाना चाहिए था और पेमेंट भी समय समय पर नहीं मिलता है। तो इस वजह से उम्र भी हो गया है कि हम लोग ना आगे फॉर्म भर सकते हैं और नहीं पीछे जा सकते हैं। तो हमारी शासन से यही मांग है कि अब 17 वर्षों के जो मेहनत को नियमितीकरण के रूप में दिया जाए, यही हम लोग की ऑपरेटर संघ की सब मांग है। इस वजह से 29, 30 और 31 तारीख को धरना प्रदर्शन रायपुर में होना है पूरे संघ लेवल पे। तो आज हम लोग पूरा दुर्ग जिला के जो ऑपरेटर हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं को साझा किए हैं, बस यही है सर और कुछ नहीं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद भिलाई इकाई द्वारा भिलाई में अपराजिता नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत विकास परिषद की महिला शाखाएं शामिल हुई और विकसित भारत बनाने में महिलाओं की सहभागिता पर सघन चर्चा और विचार विमर्श यहां पर किया गया। भारत विकास परिषद भिलाई इकाई के द्वारा आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में भिलाई विकास परिषद महिला विंग की सभी सदस्याएं पूरे देश से एकत्रित हुई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया, तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों एवं मुख्य अतिथि का स्वागत विधि अनुसार किया गया। उसके बाद विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका और उनके सहभागिता विषय पर गहन चर्चा हुई और कार्यक्रम में उपस्थित एक एक वक्ताओं ने महिलाओं की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए
महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत को विकासशील बनाने की दिशा में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी वक्ताओं की बातों को सुना और यह जाना कि विकसित भारत में वह अपनी सहभागिता किस प्रकार से दे सकती हैं। विभिन्न प्रदेशों से भारत विकास परिषद के महिला वाहिनियों की सदस्यों ने अपने उद्गार भी व्यक्त किया और विकासशील भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए संकल्पित हुई। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमचंद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी कार्यक्रम की दिल से सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त महिलाओं की सहभागिता से विकसित भारत के निर्माण के सपने को सच होता बताया। आज यहाँ दुर्ग में ईपीएस के प्रांगण में भारत विकास परिषद के द्वारा महिलाओं का एक प्रांत स्तरीय सम्मेलन किया जा रहा है और मुझे परिचित करवाया गया कि यहाँ पर किस तरह के कार्य भारत विकास परिषद करता है। सेवा के कार्य, संस्कार के कार्य, महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएँ इनके द्वारा संचालित है और कोई कारण नहीं है कि इस तरह के संस्थान अगर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बनते चले जाएंगे तो भारत जो है वो निसंदेह 1947 के पहले ही विकसित भारत बन जाएगा। और महिलाओं की भूमिका जो है आजकल हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं छूट रही हैं। आजकल वो सारे क्षेत्र जहाँ पहले पुरुषों का ही एकाधिकार था वहाँ अब हमें महिलाएँ काफ़ी अधिक संख्या में दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह के सम्मेलन जो है महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए अपनी पूरी पूरी शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने तो बताया है कि भिलाई नारायणी शाखा जो है वो आज ये सम्मेलन करा रही है। मैं उनको बहुत सी शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ। महिला सहभागिता यानी ऐसा कार्यक्रम या ऐसी योजनाएँ जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं पर केंद्रित है। तो जागरण तो हो चुका है लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ दूरी तय करना भी बाकी है और सहयोग तो मिल रहा है और आत्मविश्वास भी महिलाओं में बढ़ रहा है। तो ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है जब सभी आके एक दूसरे से परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं और नया कुछ सीख के जाते हैं ताकि अपनी अपनी शाखाओं में उन अनुभवों का हस्तांतरण कर सके और एक समाज को नई दिशा दे सके। सादर वंदे मातरम। मैं डॉक्टर संदीपा मल्होत्रा हूँ, नेशनल प्रोजेक्ट मेंबर हूँ, एक राष्ट्रीय टोली की सदस्य हूँ जो महिला सहभागिता देखती है। पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो भारत विकास परिषद है हमारे प्रेरणा स्वरूप विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात किया है। उन्होंने कहा है अगर महिला सशक्त होगी तो परिवार व समाज सशक्त होगा और सशक्त समाज ही एक सशक्त देश का निर्माण करता है। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी हजार जगदम्बाएं दो वो जो अपने साथ साथ समाज की भी दशा व दिशा बदल देगी, पर अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि कम उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो भारत विकास परिषद का भी पूरा उद्देश्य यही है कि महिला सहभागिता, हम लोग लिबरलाइजेशन की बात नहीं करते, नारी शक्ति पहले से ही एम्पावर्ड है और अभी भी एम्पावर्ड करते हैं। तो ये कार्यकर्ता निर्माण की कार्यशाला है। हमारे देश की संस्कृति को बाहर के लोगों, विदेशों ने भी पहचाना है, तभी देखे चॉकलेट ने भी, कैडबरी ने भी एक नारा रखा, वी विल पीपल बिफोर मेकिंग चॉकलेट्स। हम कार्यकर्ता का निर्माण चॉकलेट से पहले करते हैं और देखिए यहाँ पर तो कार्यकर्ता निर्माण का चल रहा है। अब क्या बदलते परिप्रेक्ष्य में समस्या भी बदलती आ जा रही है। तो केंद्रीय टोली ने ये कहा है कि पर्यावरण पर ध्यान दें, अनीमिया मुक्त भारत रहे, पहले सदस्य अनीमिया मुक्त होंगी तभी बाहर के लिए करेंगे। तो स्वस्थ, स्वच्छ, समृद्ध भारत और संस्कारित भारत का कार्य करते हैं। तो इस समय बहुत सारे प्रोग्राम के साथ साथ अनीमिया मुक्त, आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट, पर्यावरण पर प्रायोरिटी है। कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जागरूक करना है सब चीज़ में और मेनली तो वही है जागरूक। जी, सभी को सादर वंदे मातरम। मैं भारती कौरव भारत विकास परिषद में पिछले कई सालों से जुड़ी हूँ। पहले मेरा दायित्व शाखा स्तर पर था, फिर उसके बाद प्रांत पर और अभी मैं वर्तमान में रीजनल दायित्व पर हूँ महिला सहभागिता की। तो मैं ये समझती हूँ कि इन कार्यशालाओं का बहुत महत्व है। हम सभी जानते हैं कि समाज भी परिवर्तित है और प्रकृति भी परिवर्तित है। तो जैसे कि बदलते परिवेश में हमने देखा आजकल परिवारों की व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आया है, तो इस हेतु भी हमें महिलाओं को जागरूक करना है कि हमारे बच्चे जो पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं उनसे हमें कैसे बच्चों को फिर से अपनी सभ्यता की ओर वापस लाना है।
तो इन कार्यशालाओं के अंतर्गत हम इन्हीं योजनाओं और इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर उपस्थित होते हैं और इसमें जो चर्चात्मक हमारा सत्र होता है उसी के दौरान इन्हीं सभी समस्याओं का हम उसमें समाधान रखते हैं, जिसको हम परिषद परिवार के माध्यम से आगे इन कार्यक्रमों को पूरे वर्ष भर करते हैं, जिसमें हम बाल संस्कार शिविर इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हम बच्चों को जागरूक करते हैं। बाल संस्कार शिविर के माध्यम से हम ना कि बच्चों में संस्कार का जागरण कर रहे हैं, बल्कि नई जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको हम तैयार कर रहे हैं अपनी संस्कृति से और सभ्यता से जुड़ने। भारत विकास परिषद भिलाई इकाई के कर्मठ सदस्य श्रीमान डागा साहब ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य को एशियन न्यूज टीम से साझा किया। ये जो कार्यशाला आज हो रही है, जो हमारे हम जो कार्य करते हैं, जिसके जिनके माध्यमों से हम भारत को पुनः विश्व गुरु के आसन पर आसीन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कार्यशाला उसी निहित आयोजित है जिसमें प्रांत की जितनी भी इकाइयां हैं भारत विकास परिषद की, हर इकाई से पांच पांच बहनें, पांच पांच नारियां इसमें अपेक्षित हैं और वे सभी आई हैं। और यह महिलाओं की ही कार्यशाला है जिसका उद्देश्य हमारे सभी विकास कार्यों में महिला सहभागिता को बढ़ाना और बाल विकास के कार्य को भी आगे करना। जैसा हम जानते हैं कि महिलाओं का मौलिक चिंतन घर परिवार के लिए होता ही है, और निश्चित रूप से पुरुष से इस क्षेत्र में उनकी जो संवेदनाएं होती हैं वह कई गुना अधिक होती हैं। तो जब हर घर का विकास होगा, हर घर में नारी पुरुष बच्चे पढ़ेंगे, राष्ट्र भाव का जागरण होगा, तो निश्चित ही पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा कि राष्ट्र सर्वोपरि का भाव हम सब में जागृत होगा। और देश सर्वोपरि जब हो जाएगा तो हम अपने छोटे छोटे अंतर भेदभावों को दरकिनार करते हुए राष्ट्र साधना में विलीन हो जाएंगे। इसी भाव को जागृत करने के लिए यह कार्यशाला आज निहित है, और महिलाओं के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता बढ़ती जा रही है। राष्ट्र आराधना के लिए कुछ गुण अगर उसमें समावेश हो जाए तो निश्चित ही जो हमें गति और दिशा देश को देना चाह रहे हैं वह संभव होगा। यही हमारे इस कार्यशाला का अभिप्राय है। आज यहाँ पर एक महिला सहभागिता हमारे संगठन में सामाजिक और सांस्कृतिक और सेवा के कार्य होते हैं। हमारा जो घोष है स्वस्थ भारत, सामर्थ भारत और संस्कारित भारत, इस पे हम काम करते हैं। हमारे पांच सूत्र हैं, उन सूत्रों पे काम करते हैं। कार्यशाला हमारी है कि समाज के उस वर्ग से जो प्रबुद्ध एवं संपन्न है उनसे हम लेकर, और जो वंचित रह गए हैं समाज की मुख्य धारा में आने से, उनकी सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जैसा मैंने कहा कि स्वस्थ सामर्थ्य और संस्कारित भारत हो तो आने वाला भारत संस्कारित हो, इसलिए हम बच्चों के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। उसके लिए हमारे दो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हैं, एक राष्ट्रीय गीत समूह गान समूह में बच्चों को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बोलते हैं वो है, और भारत को जानो। क्या आज दुनिया को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारत विकास परिषद जो है वो केवल भारत को जानो के लिए एक कार्यक्रम करता है बच्चों में, कि बच्चे अपने देश प्रेम भारत को तो जाने, जिससे उनसे देश प्रेम उत्प्रोत हो उन बच्चों में और वो देश प्रेम की भावना आए। इसी थीम पे हम लोग काम करते हैं भारत विकास परिषद। तो उसी कड़ी में बोला गया है कि माँ पहली गुरु होती है बच्चे की, तो बच्चे जब माँ संस्कारित होगी सब होंगे। अभी क्या देखा जा रहा है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो माएँ आ रही हैं, वो पाश्चात्य की तरफ जा रही हैं, तो हमारा ये दायित्व तो है कि वो जो मातृशक्ति है वो मातृशक्ति को अपने पहचाने, उसी के लिए आज एक कार्यशाला रखे हैं। और वो कैसी कैसी कार्य कर बच्चों में संस्कार और एक अच्छा भारत का भविष्य उज्जवल हो, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने मातृशक्तियों के लिए एक महिला सहभागिता कार्यशाला की है।
भारत विकास परिषद पूरे देश भर में बड़े बड़े जनहित के मुद्दों पर कार्य कर रही है और अब महिला विंग के जुड़ जाने से इन कार्यों में तीव्र गति देखी जा रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभा रही हैं और भारत को विकासशील बनाने की दिशा में अपनी महती भूमिका भी निभा रही हैं। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक के बाद एक करके तीन लोगों की कुएं में जाने से हुई मौत, ये घटना बेमेतरा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं की है, जहां जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। बेमेतरा थाना क्षेत्र के चंदनू ग्राम कुआं में तीन लोगों की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। इसकी सूचना जैसे ही जिला सेनानी अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र सिंह को मिली, इसके बाद उन्होंने फौरन वहां टीम को रवाना किया, जहां घटनास्थल पर पहुंच एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर लगभग 40 फीट गहरे कुएं से बॉडी को बाहर निकाल कर पुलिस के सुपुर्द किया। आपको बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार ग्राम कुआं में जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन व्यक्ति की मौत, वहीं कुएं के अंदर लगे मोटर पंप को निकालने उतरे दो लोगों को बचाने उतरा तीसरा युवक भी जहरीली गैस की चपेट में आने से बाहर नहीं आ सका। इसके बाद फैली खबर की सूचना पर मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ज्योति सिंह और तहसीलदार विनोद बंजारे भी घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान मृत हुए लोगों में आत्माराम साहू, राकेश साहू, राम कुमार ध्रुव शामिल हैं, जिनका एसडीआरएफ टीम द्वारा शव बाहर निकाल आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है कौन छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगीज व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगीज, एंकर लेंथ लेगीज, किड्स लेगीज, ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग यातायात पुलिस विभाग द्वारा लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए नशे के दौरान वाहन चला रहे लोगों की जांच कर उन्हें समझाइश दी जा रही है, साथ ही ओवरलोड और नो एंट्री टाइम को लेकर सचेत किया जा रहा है। शहर में लगातार वाहनों की संख्या के साथ ही नशे का सेवन कर वाहन चला रहे चालकों के खिलाफ अब दुर्ग यातायात विभाग पुलिस ने अभियान छेड़ सघन जांच शुरू कर दी है और शहर के मुख्य चौक चौराहों में चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में दुर्ग यातायात पुलिस विभाग के DSP सदानंद वृद्धराज के नेतृत्व में दुर्ग के पुलगांव चौक में सघन जांच की गई। इस दौरान नशे का सेवन कर वाहन चला रहे चालकों की जांच की गई, साथ ही भारी वाहनों की शहर के अंदर नो एंट्री टाइम को लेकर वाहनों को समझाइश दी गई। इस दौरान यातायात विभाग के द्वारा वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस संबंध में यातायात पुलिस विभाग के DSP सदानंद वृंदराज ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। वैसे सामान्य कार्रवाई की जा रही है जो रूटीन पे चलता है, और मैं इधर नो एंट्री का जो टाइमिंग हुआ है 1:30 बजे का, तो उसको चेक करने के लिए सुपरविजन पे आया हुआ था। यहाँ हमारे यहाँ नो एंट्री चालू होती है 1:30 बजे से चालू होती है, जो 4:30 बजे तक रहती है, किंतु ये जो हम लोग 1:30 बजे जो एंट्री देते हैं तो ये उन्हीं गाड़ियों के लिए है जिनको लोडिंग अनलोडिंग का काम दुर्ग में या भिलाई में करना होता है, केवल उन्हीं के लिए परमिशन है। अभी यहाँ से नो एंट्री चालू होती है, वहाँ हम लगभग 4 बजे मतलब नो एंट्री बंद कर देते हैं। मैं वैसे देख पा रहा हूँ तो यहाँ काफ़ी तादाद है शराब सेवन की काफ़ी तादाद है, और हर स्तर पर है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, छोटी फोर व्हीलर हो, बड़ी फोर व्हीलर हो या हैवी व्हीकल्स हो, सभी में शराब सेवन की प्रवृत्ति है। इसके लिए बहुत ही यहाँ तो लगभग अभी 4 महीने से बहुत ही पुख्ता कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पे लेकिन वही हो सकता है कि शराब को अपन फाइन करा सकते हैं, उनकी आदतों में सुधार बहुत कम आ रहा है। फिर भी अभी देखने पे ये आया है कि जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास पे इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, वो लोग प्रॉपर अपनी रुचि लेते हुए अपने सारे चालकों को और सह चालकों को इस विषय में उन्होंने ब्रीफ किया है कि शराब का सेवन ना करें। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई में स्थापित इंसिलरीज इंडस्ट्रीज न केवल भिलाई में बल्कि पूरे देश भर में बड़े उद्योगों में लगे विदेशी मशीनों से स्पेयर बनाने का काम कर रही है, और ऐसी ही एक मशीन का स्पेयर कोरोना काल के समय से भिलाई उद्योग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अपनी इंडस्ट्रीज में तैयार किया, जो वास्तव में भी बेहतर साबित हुआ, जिसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जितेंद्र प्रसाद गुप्ता को अमेरिका की यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, और अब जितेंद्र प्रसाद गुप्ता डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। ACN न्यूज की टीम ने इनसे खास बातचीत की और जाना कि किस तरह से विदेशी मशीनों के स्पेयर्स को विदेशों से भी कम कीमत पर भिलाई में तैयार किया जा रहा है, और कैसे भिलाई का ये औद्योगिक क्षेत्र पूरे देश दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के पास में, और एक कहावत कहते हैं हमारे भारत में, बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं कि एक कहावत यह हो कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, या कोई चीज हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। तो इसमें से सारी चीजें डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पे लागू होती हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हाल फिलहाल में USA के यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। जानना चाहेंगे इनसे कि किस बात के लिए इनको डॉक्टर की उपाधि मिली, क्योंकि डॉक्टरेट बहुत सारे विषयों पर होता है, बहुत सारे क्षेत्र में इसको उपाधि दी जाती है। तो आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि भिलाई में उद्योग जगत चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्योग जगत के अध्यक्ष भी हैं, और IIT भिलाई में IIC मेंबर के सदस्य भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र में भी कई ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने सप्लाई किया है, खुद इनके अपनी कंपनी में बन करके सप्लाई हुआ है। तो जानना चाहेंगे, इतना ज्यादा ना बोलते हुए हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या था ये डॉक्टरेट की उपाधि और कैसे प्राप्त हुआ। सर, सबसे पहले तो आपका ACN न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी ने मेरे लिए एक समय निकाला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
मुझे डॉक्टरेट जो मिला है, मुझे अपने कर्मों के आधार पे, मुझे अपने प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कुछ चैलेंजेस दिए, जिसके आधार पे मुझे ये यूएसए की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट सम्मान से नवाजा और ये डॉक्टरेट अवार्ड मुझे दिल्ली में मिला। इसमें मैंने कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाए थे जो कि इटली से इम्पोर्ट हुआ करते थे, उसको मैंने इंडिया में डेवलप किया और वो समय था आपका कोविड काल का, जिस समय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टोटल बंद था, उस टाइम मैंने डेवलप किया और इटालियन कंपनी ने मेरे उस प्रोडक्ट के क्वालिटी और सारे पैरामीटर्स को जांचने परखने के बाद मुझे अप्रिसिएट किया और उसी का परिणाम स्वरूप ये चीज़ें स्प्रिट होती हैं, लोगों तक जाती हैं कि एक नई चीज़ नए देश में मिनिमम कॉस्ट में भी डेवलप किया जा सकता है। ऐसे चैलेंजेस में मैंने किया और मुझे भारत सरकार एवं मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से ज्वाइंट में मुझे ये डॉक्टरेट की उपाधि मिली। आपने कॉस्ट की बात की, मिनिमम कॉस्ट, तो जो चीज आपने डेवलप किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या चीज था, क्या मटेरियल था और कैसे इतने मतलब कितना कम कॉस्ट में पड़ा वो? देखिए, मैकेनिकल में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको एक एक चीज को एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कॉमन हमारे जितने भी वर्ग लोग हैं उसको वो समझ नहीं पाएंगे, बट वो एक मैकेनिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स थे जिसके कारण कोई भी एक मिल का स्टार्टिंग पॉइंट वो अगर डैमेज होता है तो वो मिल रन नहीं हो पाएगा, तो उस टाइप के वो कॉम्पोनेंट्स थे जिसमें फेरस नॉन फेरस दोनों की संभावना थी, जिसको बनाना बहुत ही मुश्किल था। उस चैलेंजिंग दौर में मैंने बनाया, भिलाई में सारे चीज हमको अवेलेबल हुए लोकेलिटी और हमारी टीम, पूरी टीम ने हमें एक साथ मिल करके उस प्रोडक्ट को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद जब हमने उस आइटम को सप्लाई किया तो उसको फिटमेंट के लिए इटालियन कंपनी के लोग आना था और आकर के उसको फिटमेंट करना था। जब वो आए और हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने देखा तो देखने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि हम जो बना रहे हैं उससे भी बेहतर क्वालिटी का इन्होंने बनाया है और हम जिस कॉस्ट में इंडिया को दे रहे थे उससे काफी कम कॉस्ट में इन्होंने इंडिया में ही डेवलप कर दिया, उसको लेकर के उन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया और हमारे क्वालिटी को उन्होंने मच बेटर शब्दों से नवाजा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी और शायद उसी का परिणाम है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। आपने बोला ये कंपनी भारत की थी जिसके लिए आपने कंपोनेंट बनाया जी, और माल उसका आता था इटली से? नहीं, जो कंपोनेंट आपने बनाया वो कंपोनेंट इटली से आता है, वो उस कंपोनेंट की वजह से अगर वो नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता? क्योंकि प्लांट का प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए ठप होता जो कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्षति देता हमारे देश के ऊपर, और दूसरी चीज थी वो चूंकि टोटल मैकेनिज्म वो जो एक मशीन था वो मशीन ही इटली का था, उसका ये एक स्पेयर था जो कि ओईएम बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इटली था, वो स्पेयर्स के रूप में आता, वो स्पेयर्स मैंने यहां डेवलप किया। मेरा भारत महान, यहां कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, इटली की मशीन, इटली से आने वाले स्पेयर्स जो उस मशीन में लगने थे वो भारत में ही बनके तैयार हो गए, भारत क्या भिलाई में बनके तैयार हो गया, और इसका श्रेय जाता है जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को। गुप्ता जी बताइए, आप जब वहां पर डॉक्टरेट की उपाधि जब आप लेने गए कैसा फील हो रहा था, क्या लग रहा था? सर, अपने आप में तो मैं काफी गौरवान्वित महसूस भी कर रहा था और मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा गौरवान्वित थे, और इस कार्यक्रम में मेरे फादर ने बोला कि मेरे बेटे को डॉक्टरेट मिलने जा रहा है और मैं ना जाऊं, तो मेरे मदर और फादर दोनों लोग मेरे साथ थे और उस टाइम शायद मैं अपने आप में इतना गर्व महसूस कर रहा था जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो कोविड का समय था, कोविड काल जो हमने झेला है, जो बीता है, उस समय भी पूरी तत्परता के साथ उद्योग जगत के लिए, उद्योग जगत को आगे बढ़ाने के लिए जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पूरी तरह से तत्पर थे, और यही वो कारण है जिसकी वजह से आज इनको यूएसए की तरफ से, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। मैं और जानना चाहूंगा, या इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीजें सुनी है कि जो चीजें नहीं मिल पाती हैं, जो स्पेयर्स कहीं नहीं मिल पाते या महंगे होते हैं, उसको आप अपने कंपनी में डेवलप करते हैं, तो कैसे संभव हो पाता है, टीम में जो टेक्निकल टीम है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, इसमें सबसे बड़ी होती है हर आदमी की अपने अपने कार्य करने की क्षमता होती है और धीन शक्ति होता है कि जब ये दूसरा देश बना सकता है तो हम इसको क्यों नहीं बना सकते, और उस चीज के लिए हम अपने आप को
बद्ध करते हैं और उस चीज का रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। उनके पास हमारे साथ हमारे इंडियन कंपनीज भी हमको सपोर्ट करती हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हमको मौका देती हैं। हम एक एक चीजों का बारीकी से एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हर एक चीज को हम उसके गुणवत्ता के आधार पर जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अगर वो कंपनी हमें ऑर्डर देती है कि आप हमको एक सैंपल तैयार करके दिखाओ, वैसे मौके मिलते हैं और हमने बना करके काफी लोगों को दिया है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। मैं बात करूं 2004 की, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी रेल लाइन बनाने की फैक्ट्री हमारे रायगढ़ में स्थापित हुई, जो श्री नवीन जिंदल जी की ग्रुप थी। उस टाइम वो कंपनी एनके के जापान के साथ कोलैबोरेट होकर के विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन बनाने की कंपनी स्थापित हो रही थी। जब उनकी कंपनी चल रही थी उस टाइम उनका एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट उसमें लगता था, एडजेट उन्होंने साउथ अफ्रीका से सेकेंड हैंड मशीनरी उन्होंने प्रोक्योर किया हुआ था। उसका एडजेट कॉन्ट्रैक्टर वो पूरे वर्ल्ड में घूम चुके, उनको कहीं भी स्पेयर्स नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने ये मन बनाया या तो हम प्लांट बंद करेंगे, आइदर नया एडजर लगाएंगे, जो कि 2004 के समय में वो एडजर की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए थी। उसका एक छोटे से स्पेयर्स को लेकर के वो प्लांट इतने बड़े आर्थिक नुकसान को झेलने को तैयार था, बट मेरे पास वो चैलेंज आया क्योंकि हमको जानने वाले एक मिस्टर आर के अग्रवाल जो कि उस टाइम उस प्लांट में एज ए वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमें कॉल किया कि कहां हो, क्योंकि वो पैरेंटियल थे, हमको बचपन से जानते थे। तो हमने बोला सर हम राउड के लाने हैं, तो बोले तुम इमीडिएट रायगढ़ आओ। हम रायगढ़ गए, जाकर के उस प्लांट में हमने देखा और देखा, हम बोले हम इसको बना सकते, बोले तू बना सकता है, मैं बोला बिल्कुल बना सकता हूँ। तो जो उस डिपार्टमेंट के डीजीएम थे जो पूरे वर्ल्ड को घूम करके आ गए थे और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हमें ये पूरा एडजस्ट चेंज करना है, वो थोड़ा चौंक गए, बोले आप उनको बना के दे सकते हो, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो बोले कितने टाइम में, बोला आपको कितने टाइम में चाहिए, तो बोले हमको 24 घंटे के अंदर चाहिए एक बार करके रिपेयर हो करके। हमने बोला बिल्कुल, आप आने जाने का टाइम कॉस्ट हटा दे, टाइमिंग हटा दीजिए, आपको 24 घंटे में दिया। बोले ठीक। मैंने वो 24 घंटे के अंदर में उनके टेबल पर रख दिया बना करके। फिर एनके के जापान वालों ने उस टाइम जब उस आइटम को लगाया और लगा करके दिया, तो उस टाइम में भी मुझे एनके के जापान वाले ने आर के अग्रवाल जी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके सामने ये वर्ड बोला, योर क्वालिटी मच बेटर देन तोशिबा जापान, क्योंकि उसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर था तोशिबा, जो आज भी टीवी वगैरह बनाती है उस कॉन्ट्रेक्टर का मैन्युफैक्चरर था। तो हमने पुराने को रिपेयर करके दिया जो कि एक तोशिबा कंपनी नया बना के देती थी जिसका प्रोडक्ट बंद हो चुका था। तो ऐसे हमने उस टाइम से करते आ रहे हैं और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि हम कर सकते हैं और शायद उसी का परिणाम है कि आज 20 सालों बाद मुझे उसी टाइम के कारनामे में मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड दिया। कहते हैं दोस्तों जज्बा होना चाहिए, अगर जज्बा है तो कोई भी चीज असंभव हो ही नहीं सकती। जितेंद्र भैया एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। भारत में सब कुछ मौजूद है, कला मौजूद है, कलाकार मौजूद है, वो सामान मौजूद है जिससे सब कुछ हो सकता है। और शायद इसलिए कहते हैं कि भारत में भारत का जुगाड़, जुगाड़ जो शब्द है ये भारत से निकला और भारत का जुगाड़ सबसे अच्छा है। लेकिन आज भी भारत में बनी हुई चीजें मेड इन इंडिया वो चमक नहीं बिखेर पा रहा है, वो चमक उसमें फीकी लगती है। मेड इन इंडिया बोलते के साथ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, लोग उस प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, क्या कारण मानते हैं सब इसका? सर मैं इस बात को मैं आज की डेट में तो नकारना चाहूंगा कि आज के डेट में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे भारत के प्रोडक्ट को लोग अब ओछे नजरिए से देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इतनी फोकस्ड है भारत के प्रोडक्ट को लेकर के और एमएसएमई यूनिट्स को लेकर के कि हमें अपने आप को अपडेट करने को लेकर के ऑटोमोशन की तरफ अगर हमको डाइवर्ट होना है, गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे स्कीम्स दे करके रखे हैं जिस स्कीम्स के तहत हम अपने आप को अपग्रेड करें और अपग्रेड करके वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बनाने के पीछे आज भारत अच्छी भली भांति से काम कर रहा है। हमारे जैसी छोटी छोटी यूनिट्स भी उस तरफ फोकस कर रहे हैं। अगर मेरी खुद की बात करें तो मैंने आज अपने वर्क्स में मैंने 10 मशीनें इंपोर्ट करके ऑटोमोशन की तरफ कन्वर्ट कर रहा है और ऐसी बहुत सारी यूनिट अपने आप को अपग्रेड कर रही है। जहां तक सवाल आपने एक और किया कि जुगाड़, तो जुगाड़ तो सर हमारे डीएनए में है और भारत का जुगाड़
वर्ल्ड फेमस है सर, वो लॉजिकल होता है, देन एंड देयर होता है। सपोज कोई भी चीज का एक कार्य करने का एक शैली होता है, लेकिन हमारे इंडियंस के पास भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि वो देन एंड देयर उसके माइंड में क्लिक करता है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दे और वो काम 100% सक्सेस होता है। तो ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, हमारे डीएनए में है। इस जुगाड़ का कोई क्लासिफिकेशन आपको नहीं दे सकता, बट जुगाड़ आज भी जुगाड़ हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट का एक कारक है। जो डॉक्टरेट आपको मिली है इसको किसी को किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे, और हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाना चाहते हैं और आपको दिखा सकता हूँ। फिर भी बताइए किसको किससे शेयर करेंगे आप? आपकी जो डॉक्टरेट है, आपकी जो डॉक्टरेट उपाधि है, ये किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? ये हम अपने देश के साथ शेयर करना चाहेंगे, अपने राज्य के साथ करना चाहेंगे, अपने भिलाई नगर वासियों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस धरती पे हम हैं और जिस धरती पे हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और दूसरे देश की धरती से अगर हमें सम्मान हो रहा है तो स्वाभाविक है कि ये हमारे नगर, हमारे राज्य और हमारे देश की उपलब्धि है। हम तो एक छोटा सा नाम मात्र के हैं जो अपना कर्म कर रहे हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। इतने बारीकी से इतने बड़े काम करने के बाद भी ये खुद को कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरे भिलाईवासी मेरे साथ हैं, और अपनी डॉक्टरेट की उपाधि भी ये पूरे भिलाईवासियों के साथ, अपने प्रदेशवासियों के साथ और देशवासियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इनका एक कहना और है कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सरकार, इस देश की सरकार को संभाला है, तब से एमएसएमई लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और नए नए आयाम इसमें आते जा रहे हैं। आगे और क्या इच्छा रखते हैं? एक फाइनल सवाल सर, आगे तो समय बड़ा बलवान है, हम इसी तरह अपने चैलेंज को और इजाफा करते रहेंगे। अब आगे देखते हैं समय के गर्भ में क्या छिपा है, हम तो अपना कर्म करना जानते हैं और निरंतर करते रहेंगे। आप स्वयं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट को जो इस बिजनेस में है, जो एंसिलरी में है, कुछ संदेश? मैं खासकर अपने भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के लोगों से मैं गुजारिश समझ लें या मेरी भावनाएं समझ लें या भिलाई के प्रति एक स्नेह समझ लें, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आज समय है अपने आप को बदलने का। आज आप अपने आप को अपग्रेड, क्योंकि भिलाई जो ख्याति बरसों से रखा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। आज भिलाई में लोग आने से डरते हैं, क्योंकि मैं नेगेटिविटी, हो सकता है मैं ऑन स्क्रीन नेगेटिविटी बोल रहा हूँ, लेकिन भिलाई की मेंटालिटी जो है कहीं ना कहीं वो अपग्रेडेशन के तरफ को फोकस नहीं कर रही है और दूसरी शहर कहीं ये ख्याति को ना दे। तो इसलिए भिलाई से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने आप को अपग्रेड करें औद्योगिक क्षेत्र, ताकि भिलाई का जो ख्याति है वो बढ़े। मैं आने वाले भावी उद्योगपतियों से कहता हूँ, जो नई जनरेशन आज बहुत सारे यूनिट्स में आ गई है, अपने आप को अपग्रेड की तरफ फोकस करें, ताकि भिलाई का नाम वो सुनहरे अक्षरों में जो पहले था उसको बरकरार रख सके। भिलाई के इंडस्ट्रीज को भी लेकर के काफी अच्छे ख्याल जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के हैं, और हमारी भी यही कामना होगी कि आप इसी तरह से और ऊंचाइयों को छुएं और भिलाई का नाम रोशन करते रहे। लेकिन जरूरत है भिलाई को बदलने की, अपडेट होने की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसी न्यूज। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।